आज मैं आप लोगों को अब्राहम हिक्स की दो प्रोसेस बताने वाली हूँ। ये जो प्रोसेसेस अब्राहम हिक्स ने अपनी बुक आस्क एंड इट इज गिवन में बताई है, वो प्रोसेस करने से पहले वो ये जरूर मेंशन करती हैं कि आप अपने वाइब्रेशन, आप अपने रिसीविंग मोड को पहचान के तब वो प्रोसेस को शुरू करें। रिसीविंग मोड आपके बहुत तरीके के होते हैं। आप किस रिसीविंग मोड में हैं? आप हैप्पी हैं तो आप हैप्पीनेस के रिसीविंग मोड में हैं। अगर आप एंग्री हैं तो आप रिसीविंग मोड में हैं एंगर के। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप रिसीविंग मोड में हैं डिप्रेशन के। तो जैसा आप मूड रखेंगे और जैसे ही रिसीविंग मोड में रहेंगे, वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो वो जो ये प्रोसेसेस मैं बताने वाली हूँ, उससे पहले आप अपने मूड को ज़रूर आंक लें और तब ये रिसीविंग मोड में जाके आप ये प्रोसेस करें। सो द पहला प्रोसेस है मैजिक बॉक्स क्रिएशन। ये प्रोसेस आपको तब करना है जब आप बहुत हैप्पी हैं, तब नहीं करना है जब आप डिप्रेस्ड हैं, तब नहीं करना है जब आपको लग रहा है कि चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, तब नहीं करना है जब आपको लग रहा है ये मुझे ज़रूरत है। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि आप की जो इच्छा है वो नीड बेस्ड है, मतलब ये ज़रूरी आप सोच रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत है मतलब वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये लैक का वाइब्रेशन लेके आता है ज़रूरत की चीज़ें। इसके लिए आपको पहले अपने वाइब्रेशन को क्लीन करना होगा और तब ये वाली मैजिकल बॉक्स क्रिएशन वाली प्रोसेस को करनी है। मैजिकल बॉक्स क्रिएशन आप तब कर सकते हैं जब आप बहुत खुश हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप अपने घर पे हैं, बहुत हंसी ठहाके की आवाज़ें लग रही हैं और आप बहुत मज़े कर रहे हैं, तब इस प्रोसेस को कीजिए तो वो आपके क्रिएशन को बढ़ाएगी। जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं या मेडिटेशन से बाहर निकले हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत आनंदित हैं, तब ये वाली प्रोसेस कीजिए। और ये प्रोसेस करने से क्या होता है, आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए। और ये बहुत आसान सा प्रोसेस है। आपको एक बहुत खूबसूरत सा बॉक्स, चाहे तो आप अपने हाथ से उसको बना सकते हैं या बाजार से खरीद सकते हैं, एक ऐसा बॉक्स जिसके ऊपर ढक्कन हो, वैसा बॉक्स आपको लाना है और उसको एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आप हमेशा उस पर नज़र डाल सके। लिविंग रूम में रख दें, या ज़्यादातर आप बेडरूम में रहते हैं तो बेडरूम में रख दें, या ज़्यादा समय आप अपने ऑफिस में स्पेंड करते हैं तो होम ऑफिस हो, या ऐसी जगह जहाँ कोई दूसरा ना दे सके, बिकॉज आपका वो पर्सनल मैजिक बॉक्स होगा। इसके लिए मैं ऑफिस बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि होम ऑफिस, मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस में लेके जाइएगा नहीं, क्योंकि लोग देखेंगे और फिर आपका मैजिक एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये मैजिक बॉक्स क्रिएशन आपको करना है। बेहतर ये होता है कि शू बॉक्स लीजिए, उस पर बहुत अच्छे से सजावट कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, ताकि वो आपका मैजिकल बॉक्स है। और उसके ऊपर लिखना होगा जो भी इस बॉक्स में है वो सच है। इंग्लिश में उन्होंने लिखा था दिस इज इट माई लाइफ, या फिर माई लाइफ माई क्रिएशन, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। घर के अंदर तमाम मैगजीन्स और ये सब पड़ी रहती हैं, उनको काटना है आपको। जो भी चीज़ चाहिए, जैसे मैगजीन्स आपके घर पे होते हैं, उसमें कोई बहुत खूबसूरत सा घर दिखा आपको और आपको वो घर मैनिफेस्ट करना है, उसको काट के अपने मैजिक बॉक्स में इस इंटेंशन के साथ डालना है कि ये पूरा होने वाला है। आपका वो मैजिक बॉक्स एक जिनी की तरह काम करेगा, जो भी चीज़ आप उसके अंदर डालिएगा, लेकिन आप किस मोड में डाल रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर डिस्पेयर के मोड में डाल रहे हैं कि ओह गॉड मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे डाल देता हूँ, और आप ये सोच रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं है मेरे पास, तो पैसे नहीं आने वाले हैं। आपको अपने पास रखे हुए पैसे से संतुष्ट होना पड़ेगा और खुश होना पड़ेगा, और तब आप पैसे मांगोगे तो और पैसे आते हैं। आप अगर लैक के माइंडसेट से पैसे मांगिएगा तो कभी भी पैसे नहीं आएंगे। वैसे ही आपको जैसे कोई बहुत अच्छा टॉप दिखा मैगजीन में, उसे कट करिए डाल दीजिए। बहुत अच्छी शूज दिखी, उसे कट कीजिए डाल दीजिए।
ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें ही डालनी है, जैसे घर, पैसा, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, नहीं, छोटी चीजें भी, जैसे कुछ खाने की डिश की फोटो दिखी मैगजीन में, उसे कट कीजिए, डाल दीजिए। इंटरनेट पे अगर आप सर्च कर रहे हैं कुछ चीजें और आपको दिखी, प्रिंट कर लीजिए उसको, प्रिंट को कट करके और डाल दीजिए मैजिक बॉक्स के अंदर। देखिएगा आप धीरे धीरे, आप जब उस मैजिक बॉक्स को हैप्पी मूड में, रिसीविंग मूड में रह के डालना शुरू करेंगे, तो जो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वाली डिजायर होगी, चाहे वो एक प्लेट खाना हो, आप देखिएगा कहीं ना कहीं से आपके सामने आ गई और आप वो खा रहे हैं। जैसे वो डिजायर पूरी हो जाए, उस मैजिक बॉक्स से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारी जो डिजायर है वो हर पल बदलती है, तो बदलती डिजायर की तरह आप उस चीज को निकाल सकते हैं। माय लाइफ, माय पॉजिटिव वाइब्स, कुछ भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, एंड वो मैजिकल बॉक्स आपको चीजें पूरी करके ला के देगा। बहुत खुश हैं, खोलिए मैजिकल बॉक्स को, देखिए उसके अंदर क्या क्या आपने डाल रखा है। जो चीजें आज भी सर्व कर रही है उस चीज को रहने दें, जो चीज की डिजायर चेंज हो गई है या फिर अब सर्व नहीं कर रही है, उनको निकाल दीजिए उस मैजिक बॉक्स से। धीरे धीरे आप देखिएगा वो मैजिक बॉक्स आपके लिए ऐसा काम करेगा कि आप उसमें डालिएगा, और जो अब्राहम हिक्स को फॉलो करते हैं उनको पता है कि अपने वाइब्रेशन पे ध्यान देना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, तो जो चीज़ें ये करते हैं लगातार बिना किसी गैप के, हर दिन करते हैं, उनके इस एफर्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट मैजिक बॉक्स के रूप में आता है, क्योंकि आप यूनिवर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं, मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ऐसा लवर चाहिए, मुझे इस शक्ल से मिलता जुलता लवर चाहिए, आप ये भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपके डिजायर है आप उसमें डालिए, वैसा ही कैरेक्टर और ट्रेट से मिलता जुलता चीज आपको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ये मैजिक बॉक्स बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है, सिर्फ इतना ज़रूर याद रखिए कि आप किस मोड में हैं, अच्छे और हैप्पीनेस के मोड में हैं, रिसीविंग मोड आपका क्या है, और तब मैजिक बॉक्स के क्रिएशन को हाथ लगाइए। जब भी उस कमरे के आसपास आप रहे या कुछ और काम करें और मैजिक बॉक्स को देखें, तो एक अंदर से आपको वो फीलिंग लानी है कि बस मेरा जीनी काम कर रहा है और बस ये आने वाला है। जब आप मैजिक बॉक्स के ऊपर देखिएगा और ये फीलिंग लाइएगा, तो आपके डिजायर और मैनिफेस्टेशन में स्पीड आएगी। तो ये तो हो गया आपके मैजिक बॉक्स क्रिएशन वाली प्रोसेस नंबर वन, जो आस्क एंड देन एंड इन इट इज गिवन बुक में शायद नंबर टू प्रोसेस है। वो मैं काफी दिन पहले पढ़ी थी, अब मुझे नंबर्स याद नहीं है। सेकेंड प्रोसेस तब यूज कीजिए जब आप नेगेटिव फील कर रहे हैं। ये प्रोसेस बहुत इफेक्टिव है जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिप्रेस्ड हैं, नेगेटिव हैं, अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, बार बार उस चीज की चिंता हो रही है, तो आपको पहले उस सब्जेक्ट को क्लेरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप का वो वाइब्रेशन कंटिन्यू रहेगा, अगर आप नेगेटिव लगातार फील कर रहे हैं, चिंता लगातार फील कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट के रूप में मैनिफेस्ट होके आएगा आपको, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको नहीं चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा फील हो, तो ये वाला प्रोसेस आप कर सकते हैं जो मैं आगे बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, जैसे मैंने जॉब ज्वाइन की और जॉब तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैं जब ऑफिस जाने लगी तो मेरे कलीग के साथ मेरी बननी नहीं लगी, मेरे कलीग से मेरी अनबन होनी शुरू हो गई, या मुझे नेगेटिविटी आने लगी मेरे कलीग से, या फिर जॉब जो सोचा था वैसा जॉब नहीं निकला, बहुत ही टफ निकला और मैं उस चीज़ से कोप नहीं कर पा रही हूँ, वर्क प्रेशर से कोप नहीं कर पा रही हूँ। एग्जाम्पल वन। दूसरा एग्जाम्पल है रिलेशनशिप में, आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं बन पा रही आपकी, बिल्कुल आप गेट अलोंग हो ही नहीं रहे हैं, आप कितना भी चाहते हैं आपको उसकी शक्ल देख के नफरत होती है, तो भी ये वाली प्रोसेस आप कर सकते हैं।
थर्ड है जब आपको मेंटल ब्लॉक्स हो किसी चीज को लेके, जैसे बचपन से ये बताया जाता है कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो ये वाली अगर मेंटल ब्लॉक है पैसे, पर्टिकुलरली पैसे को लेके, या बहुत सारे जगहों पे लॉटरी को बहुत बुरा माना जाता है कि बाप रे लॉटरी खेल रहे हो, मतलब तुम जुआ खेल रहे हो, और ये मेंटल ब्लॉक हो जाता है क्योंकि फ्री का पैसा कहीं पे जस्टिफाई नहीं कर सकते लोग, तो इस चीज़ को बिना जस्टिफिकेशन की चीज़ को लोग बुरा मानते हैं, तो ये सारे मेंटल ब्लॉक है और शायद इसी के कारण वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने में आपको टाइम लगता है। तो जब ये सिचुएशन हो तो भी आप ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं अपने मेंटल ब्लॉक्स को क्लैरिफाई करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको 30 डेज तक करना है एक सब्जेक्ट के ऊपर। आपको हर दिन किसी भी वक्त जब आप शांति से अकेले में बैठते हैं, आपको 10 चीजें उस सब्जेक्ट के बारे में लिखनी है। इसे इस प्रोसेस का नाम है राइट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ओके, ये वाला जो प्रोसेस है इसमें आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जैसे आपकी किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं बन रही है, अब मैं आपको उस इंसान की तारीफ लिखने कह दूँ कि भाई मेरी तो बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी जमती है मेरी, बहुत अच्छी जमती है, बहुत अच्छी जमती है, अगर ये लगातार आप लिखते भी जाइएगा तो भी नहीं जमेगी आपको। आपको 10 दिन तक उस इंसान के अंदर कुछ तो अच्छाई होगी, भले आपके साथ नहीं होगी, किसी दूसरे इंसान के साथ तो होगी, कुछ तो एक अच्छी चीज करता होगा इंसान वो, है ना। वैसी कोई सी भी चीज शुरू में नहीं समझ में आएगा आपको कि क्या अच्छा लिखूं मैं, वैसी कोई एक अच्छी चीज आपको लिखनी है 10, और हर दिन आपको नई नई चीजें ढूंढ के बढ़ानी है उस चीज पे, और आपको 30 डेज तक उस चीज के बारे में लिखना है। आप मन में मन सोचेंगे कि ये क्या है, ये प्रोसेस के हिसाब से तो भाई क्या है, मैं उसके बारे में सोचना गलत बंद कर दूंगा, बट वो इंसान थोड़ी सुधरेगा, बट ये नहीं है। आप देखिएगा कि जब आप वो लिखना शुरू करेंगे तो आपका बिहेवियर तो चेंज होता ही है, क्योंकि आप अपना नेगेटिव वाइब्रेशन उस इंसान को नहीं दे रहे हैं, तो हर इंसान वाइब्रेशनल है और हर इंसान को समझ में आता है आप किस टाइप का वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव वाइब्रेशन देना बंद कर देंगे तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन देना अट्रैक्ट करना भी बंद कर देंगे, तो वो इंसान भी आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देना बंद कर देता है, और उसमें आप चेंजेस देखिएगा कि वो किस तरीके से आपके प्रति बदलना शुरू होता है। एग्जाम्पल देती हूँ कैसे लिखना है उसके बारे में। जैसे अगर आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ नहीं बन पा रहा है, बट जब आपने शादी की थी तो कुछ देखा होगा, कुछ तो चीजें पसंद आई होगी, कुछ अच्छे मोमेंट्स होंगे, उनको लिखना है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, या उनकी स्माइल बहुत अच्छी है, वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, उनका अपने पिता के प्रति आदर मुझे बहुत पसंद आता है। बस वो सारी चीज़ें इस हिसाब से लिखनी है, ज़रूरी नहीं कि उनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत अच्छा है, झूठ नहीं लिखना है, सच लिखना है, जो भी सच में आपको उस इंसान की काबिलियत लगती है, अच्छाई लगती है, लिखनी है आपको। और आप देखिएगा पहले दिन 10 लिखने में बहुत समय लगेगा, दूसरे दिन 10 लिखने में थोड़ा कम समय लगेगा, और 30 डेज आपको लगा इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपके बुक भरने में टाइम नहीं लगेगा। और जब आप ये शुरू कर देंगे करना तो आपके जो रास्ते की प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे ही ऑफिस में अगर आपके कलीग्स के साथ नहीं बन रही है, वर्क प्रेशर आ रहा है, तो आपको वही चीज़ें लिखनी है कि ये जॉब मुझे बहुत पसंद है, क्यों पसंद है, क्योंकि इस जॉब से मेरे घर में पैसे आते हैं। पैसे क्यों आते हैं, क्योंकि उस पैसे से मैं क्या करती हूँ, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ टाइम इन्जॉय करती हूँ, या अपने वाइफ अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, पैसे से मैं चीज़ें खरीदता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, वर्क मुझे सेटिस्फैक्शन देता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ किसी तरीके से। वैसी वैसी चीज़ें आपको सोचनी है, और उस ऑफिस में भी कुछ अच्छी चीज़ होगी, फ्री की कॉफ़ी होगी, एसी होगा, टेबल होगी, चेयर होगा, कुछ तो होगा,
जो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब आप अपना फोकस नेगेटिव चीज़ों से हटा के पॉजिटिव चीज़ों पे लगाते हैं तो वो उसमें इन्हांसमेंट होती है, उस चीज़ वो पॉजिटिव चीज़ें और बढ़ेंगी। और आप देखिएगा धीरे धीरे शायद वो जो कलीग आपको परेशान कर रहा होगा उसका वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, वर्क प्रेशर जो आपको भारी लग रहा होगा शायद वो समझ में आने लगे, ना समझ में आ रहा होगा तो शायद आपका डिपार्टमेंट चेंज होकर किसी अच्छे डिपार्टमेंट में आप चले जाएंगे, आपको लॉन्गर आवर्स जहाँ देने पड़ रहे होंगे अचानक से कंपनी का रूल चेंज होगा और आपको उतने ही आवर्स देने पड़ेंगे जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। मैजिकल चीज़ें होती हैं चेंज 10 दिन, लेकिन कंसिस्टेंट रखना है। और कभी भी किसी भी चीज़ को लेके अगर आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो ये प्रोसेस एक रामबाण इलाज है। तुरंत शुरू कर दे, 10 चीज़ें अच्छी लिखिए और आप देखिएगा चीज़ें कैसे ट्रांसफॉर्म होती है आपकी लाइफ में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहला वाला प्रोसेस है मैजिकल ब्लॉक्स क्रिएशन, वो आपको कभी भी नेगेटिव होके नहीं करना है। आप कितना भी उसके अंदर डालिएगा और नीड और लैक बेस्ड इमोशंस के साथ डालिएगा वो नहीं मैनिफेस्ट होगी। दूसरा वाला जो प्रोसेस मैंने बताया है वो तब करना है जब आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो खुद को क्लैरिफाई कैसे करना है, क्योंकि जब आप किसी ये दोनों प्रोसेस कीजिएगा तो एक आपको मैनिफेस्टेशन दिलाएगा, दूसरा आपके कॉन्ट्रास्ट को ख़त्म करेगा। ये दोनों प्रोसेस बहुत असरदार है, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू।